पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की राजनीति में विधायकों के कथित खरीद फरोख्त से जुड़ी ऑडियो क्लिप ने घमासान मचा दिया है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने फोन टैपिंग को गैर कानूनी करार दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से 6 सवाल भी पूछे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कथित गठजोड़ को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद भले ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बेनीवाल को भाजपा नेताओं के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी हो, लेकिन बेनीवाल पर इसका कोई असर नहीं है। सांसद बेनीवाल ने तो अपने ट्विटर अकाउंट से राजे पर आरोप वाले ट्वीट डिलीट कर दिए हैं और न ही कोई खेद व्यक्त किया है। ऐसे में साफ है कि राजे से बेनीवाल की अदावत अभी जारी है। जोधपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जसवंतपुरा पंचायत समिति के सहायक लेखाधिकारी मूलचंद से अवैध कलेक्शन की राशि बरामद की है। एसीबी को अवैध कलेक्शन की शिकायतें मिली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसीबी डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में एडिशनल एसपी नारायण सिंह ने कार्रवाई कर सहायक लेखाधिकारी से 1,79,000 रुपए 42 इंच की एलईडी और एक कंप्यूटर बरामद किया है। राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार सुबह एक ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि मंत्री भी खुद, संतरी भी खुद, दरोगा भी खुद, सिपाही भी खुद, फर्जी ऑडियो तो जारी होंगे ही, अभी और किश्त बाकी है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। रतनगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में प्रबंधक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां कार्यरत 12 कार्मिकों के लिए गए सैंपल में 8 कार्मिक पॉजिटिव आ गए हैं। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि सभी 8 कार्मिकों को क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन 8 कार्मिकों के परिवार वालों की भी जांच प्रारंभ की गई है तथा इनसे संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री ली जा रही है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में तथा कथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। राजस्थान में सीएम बनने की रस्साकसी के कारण कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। राजस्थान में हाई कमान से लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग हुई, क्या सरकार ने खुद को बचाने के लिए गैर संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया, इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2018 में जब राजस्थान सरकार बनी थी तब से गहलोत और पायलट गुट में सड़कों पर लड़ाई चल रही है। बीकानेर जिले के छतरगढ़ क्षेत्र में कुंड की खुदाई करते समय मिट्टी में दब जाने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार बीती रात को राजासर भटियान गांव में यह 2 श्रमिक कुंड की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान मिट्टी ढह गई और दोनों श्रमिक वहां दब गए। मिट्टी में दबने से श्रमिकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत से पहले बसपा को विधायकों को दगाबाजी करके कांग्रेस में शामिल कराया और अब फोन टैपिंग कराकर असंवैधानिक काम किया है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह के सतह पर आने के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने अपनी पार्टी को ही नैतिकता की सलाह दी है। मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश ठीक नहीं है। अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए मेघवाल ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश न करें, ये नैतिकता के खिलाफ है। मेघवाल ने बीजेपी से कहा कि किसी भी फैसले में वसुंधरा राजे की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजे की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोटा जिले में कोरोना का वायरस अब लोगों को डरा रहा है। अनलॉक 2 में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ गई है। अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। ये वायरस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। पहले 10 से 12 दिन में 100 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, लेकिन अब बीते 4 दिन में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। यदि जुलाई के 17 दिन की बात करें तो इस वायरस ने 246 लोगों को संक्रमित किया है। 7 लोग मौत का शिकार हुए हैं। पाली में महावीर नगर स्थित फ्लैट से 55 लाख के जेवरात व नकदी चुराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी साधु सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य सरगना व उसका साथी फरार है।
चोरी के जेवरात मुख्य आरोपी परमेंद्र सिंह ने हरियाणा में ही एक ज्वेलर्स को 25 लाख रुपए में ही बेच दिए। पुलिस अब मुख्य आरोपी व उसके साथी पवन की तलाश कर रही है, साथ ही ज्वेलर्स से माल बरामद का प्रयास भी कर रही है। राजस्थान में सरकार को गिराने एवं पार्टी तोड़ने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा ने शनिवार को इस घटनाक्रम को झूठ और फरेब की कथा करार दिया। पार्टी ने कहा कि सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था और संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर फोन टैपिंग किए जाने सहित विभिन्न प्रकरण की सीबीआई की जांच कराई जानी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा, राजस्थान में कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी हम देख रहे हैं। षड्यंत्र, झूठ, फरेब और कानून को ताक पर रखकर कैसे काम किया जाता है, यह उनका मिश्रण है। उन्होंने कहा कि कुछ ऑडियो टेप के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को टिड्डी मारने के लिए रात को भी ड्रोन ऑपरेशन की अनुमति दे दी है। साथ ही इंजन आधारित ड्रोन को भी हरी झंडी मिल गई है, जो 50 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। अब टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम में तेजी आएगी। अब तक 15 ड्रोन पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों में तैनात किए गए हैं। जल्द ही 10 और ड्रोन आने की उम्मीद है। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जो टिड्डी मारने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। उदयपुर जिले में गोगुंदा थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने एक कार से 1 किलो 446 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बीएसएनएल कार्यालय के पास कार को रुकवा कर तलाशी ली तो उसमें से अफीम बरामद हुई। कार सवार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।